أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا علي عليه السلام مدد مؤمنين الكرام محبان اهل بيت مواليان حيدر كرار نو رجب المرجب کا دن, یہ دن शहजादा अली असगर सलाम की विलादत का दिन है रजबुल मुरजब को अब्दुल्ला रजी जिनकी वालदा का नाम जनाब रुबाब अलैहा है जिनके बारे में रिवायात में मिलता है कानत अजमल अजमलनिस व आग के लो हन्ना शहज़ादा अली असगर की विलादत का दिन है नऊ मुरज़ब आज के दिन तमाम मुमिन कराम मुहिबान अहल बैत मराज उजाम और बिल बिलखस वक्त के इमाम वली सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं नजमर कराम बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि बाबुल हवाए शहजादा की विलादत का दिन है अली अकबर तहरानी जो कि वाली खुरसान इमाम रजा की बार गए अकदस में तवसल कर रहे थे दुआ मांग रहे थे कोई मुश्किल थी कि आए मेरे मालिक तुझे रजा इमाम रजा की अज़मत का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा तो इमाम रजा आलाम सरकार फरमाते हैं आए अली अकबर तहरानी अगर दुआ कबूल करानी है तो नो रजबल ममरजब को शहजादा अली असगर का जश्न कराओ यकीनन ये बाबुल हवैज है शहजादा अली असगर आलाम नाजरीन कराम मुहिबा अहल मवालियानेदर करार बहुत से तवसल के तरीके रवायात में हुए हैं। जो आपमिन की खिदमत में अर्ज करते हैं आप ममिन भी कोशिश करें इस शहजादा अलीसगर से तवसल करने की कि जो सैयद नजीब ने चार तरीके अली असगर के तवसल करने के जिक्र किए हैं वो आप मुमिन की खिदमत में मैं अर्ज करता हूँ पहला तरीका ये है कि अपने घर में मजलिस बपा करें और उस मजलिस को नाम दें शहजादा अली असगर का यानी शहजादा अली असगर के नाम की अपने घर में मजलिस बपा करें ये पहला तरीका है शहजादा अली घर से तवसल का दूसरा तरीका यह है कि एक लाख बैतालीस दफा दरूद शरीफ पढ़ के हदिया पेश करें बारगाह गए शहजादा अली में तीसरा तरीका यह है कि रोजाना तेंतीस मरतबा हुरम लालती के ऊपर लानत भेजें और चौथा तरीका यह है कि दस महर्रम को दूध की सबील लगाए और उस सबील को नाम दें शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का यकीन अगर इनसे तवसल किया जाए तो मालिक किबरिया जरूर कबूल करता है मुहब अहल बैद की दुआ जो वास्ता दिया जाए इस मासूम का अगर शहजादा अली असगर की जिंदगी की तरफ निगाह की जाए कि वक्त के मुतहद हैं आयातल जाफर मुतहदी फरमाते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो इस मासूम शहजादा के सदके में है और आयतुल्ला गुल पैगानी ने एक खतीब रखा हुआ था जो मजलिस पढ़ते थे लेकिन अजीजा ने गिरामी मुहिबा ने हिलिया ने हैदर करार आयतल गुल का पैगानी फरमाते हैं जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती तो मैं मजलिस बपा करता मुकम्मल फजायल और मसायब खतीब को कहता शहजादा असगर के पढ़े जाए शहजादा अली असगराम का वास्ता देखे जो भी दुआ मांगी जाए मिर्ज़ा कुमी फरमाते हैं मेरे ऊपर जो भी मुश्किल आती थी मैं तवसल करता था इस बाबुल हवा शहजादा अली असगर से तो मेरी दुआ कबूल हो जाती थी वालिया हैदर करार कुमुदस के हौजा की बुनियाद रखने वाले आयतुल्लाह अब्दुल करीम हैरी फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आता है मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुल्लाब को कुछ खिला सकता ये कहते हैं कि मैंने अपनी आयला को भेजा मस्जिद जमकरान कुम से लेकर मस्जिद जमकरान तक आयतुल्लाह हैरी साहब की आयला पैदल मछी करके जाती है सारी रात तवसल करती हैं वली ये असर से मौल इमाम जमाना क्या फरमाते हैं मौला फरमाते हैं को मेरा सलाम कहना और कहना कि अगर दुआ कबूल करानी है तो इस बाबुल हवाए शहजादा अली असगर का वास्ता दो मजलिस बपा कराओ आयतल हैरी फरमाते हैं कि जब मैंने मजलिस बपा कराई शहजादा अली असगर के नाम से मजलिस के बाद मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो गई यकीन महिपान अहै ये बाबुल हवैज हैं नजब अमरजब को जिनकी विलादत का दिन है जिनकी हाँ कोई भी परेशानी है कोई दुख में मुबतला है और यकीन मुमिन कराम दुनिया जिस कर्ब से गुजर रही है ये जो बीमारी है ये जो बीमारी दर फैली हुई है दुनिया इस कर्ब से गुजर रही है दुआ करते हैं इस बाबुल हवैज के सदक़े में मेरे मालिक इस बीमारी को रफा दफ़ा फरमा जारी इमाम हुसैन आलम के रास्ते खुल जाएं इमाम हुसैन आलाम के जवार भी आए मुहिबा ने अहल बैत भी आए मवालिया ने हैदर करार भी आए अमीरिन की जियारत वो भी आके करें दुआ करते हैं मेरे मालिक तुझे शहजादा अली असगर का वास्ता जिन बहनों के भई नहीं हैं उनकी झूलियाँ आबाद फरमा उनको औलाद नरीना अता फरमा जो मोमिन और मुहबान अहल बैत परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा सरजमीन अशरफ़ से दुआ करते हैं हर मुहब अहल बैत के नेक शरीफ मकासद पूरे फरमा अल्लाहुम्मा अल्मा सल व महम्मद फरज़ा